तो गाइस बात ये है कि अजय भाई हमसे विदा होने वाले हैं, बहुत दिन के बाद उनकी फ्लाइट एक घंटा पहले है हमसे। अजय भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सबका स्वागत है एक बार और हमारे चैनल में। तो गाइस आज आखिरी दिन है हमारे लद्दाख में और आज का मौसम साफ हो गया। और एक दूसरी बात गाइस, यहाँ पे जो भी हमारे नज़दीक पहाड़ थे ना कुछ दिन पहले, जो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं था कल, आज, हाँ कल तक, आज वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुका है। टेम्परेचर 4 डिग्री में है, इसी हफ्ते में माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर लग रहा है। रुको मैं आपको बताता हूँ बाहर का, देखिए एक बार आप गाइस, आप देखो ये रूम कैसा लग रहा है, बढ़िया। और यहाँ से व्यू देखिए आप, बर्फ के बाद ये वो देखो वहाँ पर बर्फ जम चुकी है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो फुल बर्फ जम चुकी है इस साइड पर। और ये हमारे सतीश भाई व्यू का मजा ले रहे हैं इधर। और सतीश भाई बहुत बढ़िया भाई, आज घर को वापसी, पवेलियन लौट रहे आज। आज पवेलियन लौटेंगे, उधर मटन शटन खाएंगे आज घर पे। बहुत दिन के बाद आज मैं मम्मी से मिलूंगा और वाइफ से भी और फैमिली से भी। तो गाइस आपने देखा, हमने आपको बादल बताए बहुत सारे और यहाँ पे पहाड़ में पूरा बर्फ ही बर्फ भरा हुआ है। अब हमारा जाने का टाइम आ गया, अब हम जाएंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे इस होटल से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट बहुत नजदीक है हमारे। और दोस्तों कुछ अच्छी यादें लेके जा रहे हैं यहाँ से। और भाई आप कुछ कहना चाहो? बहुत ही मजा आया गाइस, हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही यहाँ की लद्दाख में, कश्मीर में। बहुत ही मजा आया हम लोग को, हमने हर जगह अलग अलग स्टे किया, हर जगह का हमने अलग अलग एक्सपीरियंस किया और बहुत अच्छा था। कम रह गया हमें पेंगोंग और बर्फ नहीं करी हमने, बर्फ थोड़ी थोड़ी गिरते देखी लेकिन आज पूरी वहां पे बर्फ है, जहां से नीचे आए थे उससे भी ऊपर से हम बर्फ ही बर्फ। तो गाइस बात ये है कि अभी हम जा रहे हैं ना तो हमारे मन में ऐसे ऐसे हो रहा है क्योंकि 10 दिन की ट्रिप यार, आप कहीं पर भी 10 दिन जाके रहोगे ना वहाँ की आदत सी हो जाती है। आगे का बताते हैं, रेडियो कैरियर रो वीडियो में। अभी भी देखो बादल कितने घने हो रहे, उधर बहुत ही ज्यादा घने हो रहे। ये देखो बर्फ का पहाड़, ये वाला था नहीं कल, आज ही ये ग्लेशियर बना है देखो, इधर भी वहां पे ग्लेशियर बन गया है लेकिन नजर नहीं आ रहा बादलों के चक्कर में। चलो गाइस ये है हमारी विंडो और सोने के बाद रूम का ये हाल करा है हमने, आप देख सकते हो ये हाल है हमारे रूम का। देखो भाइयों के चेहरे देखो उदासियों से भरे हुए, फिर कब आएगी लद्दाख माँ। देखो सतीश भाई को भी आंखों में थोड़ी सी नम हो रही है। तो गाइस चलो हम चल रहे हैं, अब बहुत सारी यादें बनाई लद्दाख और कश्मीर में, ऑसम। यहाँ पे सबसे मेन तो हम हमारे जवानों से मिले, सबसे बढ़िया तो मेरे को वही लगता है इंडियन आर्मी, वो चीज़ उनसे बातें करी हमने बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा बॉर्डर के बहुत नज़ीक काम करा, ऐसे तो करा हुआ है बहुत बार नज़ीक बॉर्डर के काम, इस बार भी करा लेकिन इस बार चाइना बॉर्डर के नज़दीक करा है काम, हर बार पाकिस्तान बॉर्डर नियर होता है। और अजय भाई आखिरी आखिरी दिन है मेरी जान, आखिरी दिन है लद्दाख का, ऐसे आऊँ ना लद्दाख का, फिर कब मिलेंगे हम? एक दो दिन में फिर मिल रहे हैं। तो गाइस बात ये है कि बहुत जल्द शायद हमारा फंक्शन वापस लद्दाख का लग सकता है, बहुत जल्द लद्दाख का। तो गोवा बहुत है, गोवा जाने वाले, गोवा की ट्रिप बहुत ज्यादा है, गोवा के फंक्शंस बहुत ज्यादा है, पता नहीं कितने। इसके अलावा ऋषिकेश वगैरह काफी जगह पे फंक्शंस है, डोंट वरी आपको व्लॉग में बताता रहूंगा मैं, व्लॉग्स देखते रहना। तो गाइस देखो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह की, कितने बज रहे भाई? सबसे बेस्ट चीज है ये, आप कहीं पर भी टूर में जाते हो ना तो गाइस ये ही खाना, इससे आपका पेट खराब नहीं होगा और बिल्कुल बेस्ट है ये। इसके अंदर है ना हिम क्रीम बनाई गई, रही भैया का फेवरेट डेवलप है हिम क्रीम। तो भैया आ चुके हैं हमारा कपल वापस, आज हमारी गाड़ी फिर से कल वाली है। अच्छा यहाँ के लोगों ने देखो गाइस हमारी गाड़ी भी चेंज करके भेज दी, खुद ही सोच लो अजीब तरीके का व्यवहार है। तो गाइस बात ये है कि हमने खाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, सॉन्ग सुन रहे क्योंकि नवरात्रा चल रहा है। देखो ये हमारी कुछ यादें हैं यहाँ पे, ये देखो जा रहे हैं हम, भैया बाय बाय फिर मिलेंगे लद्दाख फिर आएंगे। ये देखो कुछ यादें यहाँ पे भी है, इस टेबल में भी हमने खाया था और सबसे अच्छी यादें तो यहाँ पर है।
यहाँ पे बैठ के खाया था गाइस। बाय बाय मैम, झूले झूले गाइस, यहाँ पे सब झूले कहते हैं, ये देखो। बाय 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 भैया। चलो दोस्तों, आगे का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में कह रही हूँ तो जो भी हम करते हैं, बाकी बादल इस बार और देखो कितने घने आ रहे, कितने घने आ रहे, वो देखो बादल। ये बादल हमारी फ्लाइट को कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, दुआ करता हूँ मैं गाइस, आप भी दुआ करना। देखो यहाँ पे फ्रेशनेस कितनी है गाइस, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ज्यादा फ्रेश है यहाँ पे, वो देखो। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितने घने बादल है गाइस, ये देखो, ये रास्ता दिख रहा है दोनों बाजू, ये देखो ये ग्लेशियर भर गया है बर्फ से, कल जो नहीं था दिख रही है चोटी के नीचे, देखो रास्ता दिख रहा है, वो रास्ते पे तो हम कल आए थे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। देखो गाइस ये ग्लेशियर भर चुके हैं बर्फ से, वो देखो गाइस ये ग्लेशियर भर गई है, कल थे नहीं, कसम से बहुत ज्यादा यहाँ पे बर्फबारी होने वाली है आगे एक दो महीने में, बहुत ज्यादा। गाइस चलो अब हम निकलते हैं, हमारी गाड़ी नीचे सेट हो चुकी है, हो रही है, देखो वो वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पे धूप नहीं आ रही थी इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देखिए गाइस कपल तो बैठ चुका है अंदर, अब हम लोग जाके बैठेंगे यहाँ पे, हमारे को लोकल गाड़ी भेज दिए, जो हमारी गाड़ी थी वाली ले गए। चलो गाइस वीडियो में कैरियर रहो, देखते रहो, दिखाते जो भी है आपको। ये नतीजा ऐसे बैठे हुए, इसका वजह सिर्फ है कैप्चर एंड ट्रिप की तरफ से, हमारी पूरी ट्रिप के अंदर ऐसे ही हमें मिला है, कहीं पे ड्राइवर की बातचीत अच्छी नहीं, कहीं पे ड्राइवर अच्छे नहीं, कहीं पे खाने की दिक्कत रही है। ये देखो ऐसे जाना पड़ रहा है हमें, ये देखो पैसे देने के बाद भी टूर वाले ऐसे करते। तो गाइज मैं आपको ये बोलूँगा कि आप खुद ही अपनी ट्रिप प्लान करें और ख़ुद ही ऑनलाइन करके जाइए, ये किसी टूर के ऊपर रखोगे ना वो ज़्यादा ही धोखा देते हैं गाइज। ये देखो कैसे बैठे हुए आप, मुझे देखो मैं कैसे बैठा हूँ सामान के पास, ऐसे बैठता हूँ कभी देखते हो। चलो लद्दाख का रोड देखो आखिरी आखिरी बार, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये देखो जा रहे हैं, वो देखो यहाँ के टूरिज्म वाले बहुत ही ज्यादा खराब है गाइस, मैं इतना बताऊंगा आपको। गाइस यहाँ पे काफी बंदों की फ्लाइट कल की कैंसिल हो गई थी मौसम खराब होने के कारण, हमारे बंटी भाई गुस्से में आ गए यहाँ पे बहुत ज्यादा। यहाँ के लोग ही ऐसे, ठंडा हो गया, यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मुझे, बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे यहाँ के लोग। उसकी गलती नहीं है भाई, ड्राइवर की गलती है ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं है खबर, उसको वहाँ से पहले चढ़ा के भेजा हाँ। तो फोन कर ले नहीं तो माले हो क्या, नाम जाने मत दो। हमारे ग्रुप थोड़े से बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं, डायरेक्ट मरने मारने पे आ जाते, यहाँ पे पूरी फौज है इंडियन आर्मी हमारे लिए। तो गाइस चलो अब आईडी का काम आ गया, अब आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पे ब्लॉक अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ जो भी यहाँ पे हो रहा है। चेकिंग हो रही है, सब जा रही है, हमारा बैग है और ये हमारा कपल है, और यहाँ का मौसम एक नंबर हो रहा है पूरा, देखिए आप ज़बरदस्त मौसम हो रहा है गाइस। कुछ तो बर्फ़ के पहाड़ हमारे सामने भरे, जो ये बर्फ़ था नहीं, हमने भरते हुए देखा इसको, और कुछ में तो अभी भी नहीं भरा, नवंबर तक भर जाएगा। चलो आगे मिलते हैं, वीडियो में कह रहे हैं। तो गाइस बात ये है कि हम सारी चेकिंग वेकिंग करवा के आ गए, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, इतनी टेंशन हुई ना। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अड़ जाते हैं किसी भी बात में, तो जो यहाँ की क्या कहते हैं आखिरी जो लगता है ना मैनेजर कोई थी, वो अड़ गई, बिल्कुल ये कह रही कि आप एक कैरी बैग ले ही नहीं जा सकते हैंड में। हमने बोला हम दिल्ली से लाए, कश्मीर से लाए, फिर भी नहीं मानती। बहुत मुश्किल के बाद उसका सुपरवाइज़र ऊपर का है ना, उसके बाद उसने बोला कि कोई बात नहीं आप हैंड में ले जाइए, एक्चुअली अगर बहुत अच्छा है, हमारे पास पैसे नहीं थे, मतलब पैसे होते ना ये तो ले जाते पूरे हमारे। चलो बाकी जो आगे होता है वो आपको बता दें। बाकी ये देखो एयरपोर्ट पे ये सब हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि कल और परसों की फ़्लाइटें कैंसिल हो गई थी, सॉरी परसों की नहीं कल की फ़्लाइटें कैंसिल हुई थी। वजह ये कि यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है। बाकी आज भी पेंगोंग और दूसरी जगहों के रास्ते बंद कर दिए गए लद्दाख के अंदर, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो गाइस।
तो गाइस बात ये है कि अजय भाई हमसे विदा होने वाले हैं, बहुत दिन के बाद उनकी फ्लाइट एक घंटा पहले है हमसे। अजय भाई हमारा भाई जाने वाला है हमें छोड़ के, जा रहे हैं भाई वो हमसे पहले उड़ेगा। अब तो ज्यादा नहीं 50 मिनट पहले उड़ेगा, 50 मिनट पहले उतर भी जाएगा। वो बोलते हैं गुटका वाले की फ्लाइट अलग है। क्या कहते हैं भाई? तो गाइस बात ये है कि अजय भाई की फ्लाइट यहाँ से अलग है, हमसे उनकी फ्लाइट हमने बाद में करवाई। इसका नाम हमारे 5 जनों के सहमे में कपल और हम लगने वाले भाई, सही नाम और अजय भाई दूसरी फ्लाइट में जा रहे हैं। कौन सी फ्लाइट का नाम है? एयर इंडिया। और ये एयर इंडिया में हम स्पाइस जेट में गाइस, तो ये हमें शायद दिल्ली में मिल नहीं पाएगी, वो वहाँ से चली जाएगी। एक घंटा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर दूसरे शूट में मिलेंगे। अगर आप कुछ बोलना चाहोगे, आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब, कुछ तो बोलो मेरी जान। ये तो इनके दिमाग में खाली लाइक शेयर कमेंट ही घूमता है, कुछ और। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, कोशिश है कि हम गोवा मिले बहुत जल्द गाइस। मुझे लगता है पहले हम दिल्ली मिलेंगे, फिर ऋषिकेश, फिर टेरी, उसके बाद गोवा मिलेंगे, क्योंकि हमारी अलग अलग जगह की बहुत सारे शूट्स हैं। तो वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, कुछ भी कमी लगती है तो कमेंट में बताइए, वो चीज़ सेट करेंगे हम आगे का। मैं आपको चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं फ्लाइट में लैंड बैठने के लिए। बहुत अच्छा व्यू है फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं हम। आखिरी ये नज़ारा है लद्दाख का, बिल्कुल लास्ट का, फिर दिल्ली का देखने मिलेगा आपको। गो टू होम गाइस, बाय बाय।